हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। ठीक, हम लोग पीसी असेंबल करेंगे लेटेस्ट जनरेशन का, जो हम ट्रेडिंग में यूज करेंगे। तो ट्रेडिंग के लिए आप ये सीपीयू असेंबल कर सकते हैं। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड B760M है। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ। ये 16 जीबी रैम है और कोर i5 13 जनरेशन है। और इसमें 4 डिस्प्ले पोर्ट के लिए मैंने ग्राफिक्स कार्ड 2 GB का यूज़ किया है, ताकि 4 मॉनिटर पे यूज हो जाए। अब ये देख सकते हैं, इसमें दो SSD का स्लॉट दिया हुआ है। इसमें ब्लूटूथ वाईफाई इनबिल्ड दिया हुआ है और ये एंटीना का कनेक्टर है। और इसमें 4 SATA पोर्ट दिया हुआ है। हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 2 SSD का स्लॉट है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें ग्राफिक्स कार्ड का बड़ा वाला और छोटा वाला भी दोनों दिया हुआ है। और इसमें एक HDMI पोर्ट है, 2 HD पोर्ट है, एक सी टाइप भी पोर्ट है, लाइन पोर्ट है, 3.0 USB पोर्ट है। ये सब चीज़ें हैं। ये प्रोसेसर इसमें जो हम इंस्टॉल करेंगे, ये 13 जनरेशन कोर i5 का इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में देख सकते हैं, अब हम लोग ये ओपन करके ये प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। इसके पहले आप SSD स्लॉट लगाएंगे, ताकि SSD स्लॉट अच्छे से लगा लें, या फिर प्रोसेसर। तो मैं पहले प्रोसेसर ही लगा लेता हूँ। प्रोसेसर ये लगा दिए, अच्छे से फिट कर दिए। अब इसमें SSD लगाएंगे। SSD का जो हीटसिंग है बाहर निकाल के, और इसमें देखिए ये रबर दिया हुआ है जो हीटसिंग का काम करता है, हीट कंट्रोल करता है। तो पहले मैं SSD को अच्छे से लगा के और नट कस देंगे, उसके बाद से वो हीटसिंग वाला जो पार्ट है उसमें भी लगा के कसेंगे, और अच्छे से देख लेंगे कि हाँ उसका जो स्लॉट में का जो पिन है सही से बैठा है कि नहीं। तो ये PC एक्चुअली ये ट्रेडिंग के लिए है, ताकि 4 डिस्प्ले हम आउटपुट देख सकें। और इसमें मॉनिटर यूज किया हुआ है, कर्व मॉनिटर 32 इंच का यूज किया हुआ है, जो इस वीडियो का अंत में आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका कवर जो पोर्ट के लिए यूज होता है। अब हम लोग एक एक करके कैबिनेट में कसना शुरू करेंगे इस मदरबोर्ड को। तो ये 16 GB का रैम है, रैम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। रैम ये DDR4 रैम है। इसको आसानी से लगा के उसको स्लॉट में अच्छे से पिन द्वारा लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर से देख लेंगे कि सबका पिन सही से बैठा है कि नहीं। हाँ, ये इस तरह से जब आपको पिन दिखाई नहीं देगा तो समझिएगा कि ये लॉक में बैठ गया है। ये है एंटीना जो PC कसने के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वाईफाई रेंज, ब्लूटूथ रेंज अच्छे से मिल जाए। तो इसको कहीं भी मैग्नेट वाला है कहीं चिपका देंगे। तो पहले इसको पूरा कस लेंगे, फिर ये हम लोग एंटीना यूज करेंगे। इस RGB कैबिनेट में मैं सब चीज़ें इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए पहले इंस्टॉल करके ही आगे का वीडियो मैं दिखाऊँगा। तो ये 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है। अब मदरबोर्ड मैं पहले से RGB कैबिनेट में मैंने इंस्टॉल कर दिया हूँ। इसका CPU फैन है, ये भी RGB है। तो इस वीडियो के अंत में देखिएगा कि कैसे लाइट देता है और कितना अट्रैक्टिव CPU बन रहा है। और ये CPU आपका कितना एस्टिमेट क्या लगा हुआ है आप कमेंट करेंगे, सारी डिटेल मैं दे दूंगा। तो ये CPU बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इसका RGB लाइट कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। मैं इसमें विंडो 11 इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसके साथ मॉनिटर 32 इंच में कर्व मॉनिटर है, जो ट्रेडिंग के लिए ज़बरदस्त काम करता है। इसका डिटेल वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे, मैं टोटल डिटेल में बता दूंगा कौन किस प्राइस का है। और इस चैनल पे इस तरह का वीडियो मिलेगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले।